हेलो फ्रेंड, बिजनेस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से न्यू बिजनेस आइडिया, महिला बिजनेस, बिजनेस स्टार्टअप, व्यवसाय कैसे शुरू करें, बिजनेस को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग व पब्लिसिटी के अलावा उद्योग से संबंधित आवश्यक सरकारी लाइसेंस आदि के बारे में जानकारी देते हैं, जो न्यू बिजनेस स्टार्टअप करने वालों के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। आइए आज हम मुरमुरा उद्योग के स्टार्टअप के बारे में चर्चा करते हैं। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए हमें कितनी लागत की आवश्यकता होगी, क्या कम बजट में भी इस उद्योग को शुरू किया जा सकता है, उद्योग में लगने वाले लाइसेंस के बारे में चर्चा करेंगे। आप किसी न्यू बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि बिजनेस की जानकारी सबसे पहले बिजनेस मंत्रा चैनल पर दी जाती है, इसके बाद लोग उसकी नकल करके विशेषज्ञ बनने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, हाट बाजार या रोड साइड पर छोटे से भट्टी पर गर्मा गर्म मुरमुरे तैयार करने वाले को देखकर ऐसा लगता है कि यह एक मामूली सा बिजनेस है जिसे कम पढ़े लिखे लोगों द्वारा ही किया जाता है, लेकिन आपने कभी उसके द्वारा किए जाने वाले इस व्यवसाय के बारे में सोचा है कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है? जब आप इस व्यवसाय को ध्यान से सुनेंगे तो आप स्वयं ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामूली सा दिखने वाला इस व्यवसाय में प्रॉफिट कितना है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि मुरमुरा क्या है। यह एक फेमस इंडियन फास्ट फूड है। मुरमुरे को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे मुरमुरा, मुरमुरी, मुरमुरे, मुड़ी, लाई आदि कई नामों से जानते हैं। यह एक प्रकार का ड्राई खाद्य पदार्थ है जिसका इस्तेमाल देश के लगभग सभी हिस्से में किसी न किसी रूप में किया जाता है। मुरमुरा हल्का और सुपाच्य होने की वजह से इसे नाश्ते के रूप में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। आजकल डॉक्टर भी वजन कम करने के लिए नाश्ते में मुरमुरा खाने की सलाह दे रहे हैं। स्ट्रीट फूड की बात करें तो मुंबई में भेल, कोलकाता में झालमुड़ी तथा बेंगलोर में मुरमुरी के रूप में काफ़ी पसंद किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों पर प्रसाद के रूप में भी किया जाता है। यह डेली इस्तेमाल होने वाले आइटमों में से एक है। आज मुरमुरा की डिमांड पहले से काफ़ी बढ़ गई है। इसे अच्छी पैकेजिंग में पैक करके शहर के मालों में सप्लाई दिया जा रहा है। ऐसे में इसे उद्योग के तौर पर अपनाना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आइए बात करते हैं इस बिजनेस को कैसे शुरू किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इस व्यवसाय को सिर्फ अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोगों द्वारा ही किया जा सकता है, इसे कोई भी कर सकता है। महिलाएं भी इस उद्योग को आसानी से अपना सकती है। दूसरे उद्योगों में कंपटीशन पहले से काफ़ी बढ़ गया है, पर इस उद्योग में कंपटीशन ना के बराबर है। यदि आप अच्छे क्वालिटी का मुरमुरा बनाकर मार्केट में सप्लाई देंगे तो बहुत जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं। मुरमुरा व्यवसाय को कई तरीके से किया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर इसके तीन तरीके के बारे में बात करूँगी। पहला है बड़े स्तर पर मशीन द्वारा उद्योग के रूप में शुरू किया जा सकता है। दूसरा है छोटे स्तर पर भट्टी से तैयार करके इसे बिजनेस के रूप में अपनाया जा सकता है। और तीसरा है मुरमुरा से विभिन्न प्रकार के आइटम बनाकर सप्लाई देना। मुरमुरा उद्योग को आप बड़े स्तर पर और बड़े पैमाने पर तैयार करना चाहते हैं तो रॉ मटेरियल में चावल, नमक, रेत, पैकेजिंग सामग्री, मशीन और कुछ कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। मार्केट में कई प्रकार की मशीनें उपलब्ध है। इन मशीनों की कीमत उनकी क्वालिटी और क्षमता के आधार पर होती है। जैसे सेमी ऑटोमेटिक मशीन या वन फेस मशीन की कीमत लगभग 40 से 60 हज़ार रुपये में आसानी से मिल जाती है। इन मशीनों में केवल मुरमुरा तैयार किया जा सकता है। पैकेजिंग के लिए आपको अलग से पैकेजिंग मशीन की ज़रूरत होगी। ऑटोमेटिक मशीन की कीमत लगभग 3 लाख रुपये के आसपास है। इन मशीनों में मुरमुरा तैयार होने के बाद पैकेजिंग भी हो जाती है। बड़े स्तर पर मुरमुरा उद्योग के लिए मार्केटिंग और पब्लिसिटी की आवश्यकता होगी। तैयार माल को होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट में सप्लाई दे सकते हैं। रिटेल में सप्लाई देने के लिए शहर और कस्बों के मार्केट में दुकानदारों, किराना स्टोर, जनरल स्टोर और मॉल में सप्लाई दे सकते हैं। छोटे स्तर पर कम लागत में मुरमुरा उद्योग को आप हाथ भट्टी से शुरू कर सकते हैं। भट्टी पर मुरमुरा तैयार करने के लिए लोहे की कढ़ाई, रेत, चावल छानने के लिए छन्नी और जलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। इन सभी सामग्री को खरीदने के लिए शुरुआत में लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये की ज़रूरत होगी। इसके बाद जैसे जैसे माल की खपत होती जाएगी उस हिसाब से चावल और ईंधन ही खरीदने पड़ेंगे। इस व्यवसाय को आप कहीं भी शुरू कर सकते हैं।
सड़क किनारे रोड साइड पर जहाँ से लोगों का काफ़ी आना जाना लगा रहता है, साप्ताहिक हाट बाजार में, शहर या गांव में लगने वाले मेलों में भी आप इस व्यवसाय को आसानी से कर सकते हैं। छोटे स्तर पर व्यवसाय करने पर पब्लिसिटी और मार्केटिंग की आवश्यकता नहीं होती, ना ही इसकी पैकेजिंग पर विशेष खर्च करने की ज़रूरत है। इसे साधारण कागज में पैक करके बेचा जा सकता है। गाँव, कस्बा या शहर में मार्केट के आसपास दुकान लगाकर गर्मा गर्म मुरमुरा तैयार करके बेच सकते हैं। लोग आते जाते इसे गर्मा गर्म खरीद लेते हैं। मुरमुरा से विभिन्न प्रकार के आइटम का व्यवसाय। मुरमुरा और गुड़ से तैयार लड्डू और चिक्की भारत की एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया जाता है। मुरमुरा से तैयार इन आइटमों का मार्केट भी काफ़ी बड़ा है। इसके डिमांड को देखते हुए कई नामी कंपनियां इनका प्रोडक्शन कर रही है। आपके पास बजट कम है या आपको मुरमुरा तैयार करना नहीं आता है, तो आप मुरमुरा के लड्डू, मुरमुरा की चिक्की, सूखा भेल बनाकर रिटेल या होलसेल मार्केट में सप्लाई दे सकते हैं। इन आइटमों को शहर, गांव या कस्बे कहीं पर भी बेचा जा सकता है। मार्केट के आसपास, रोड साइड, पिकनिक स्पॉट, सैर सपाटा, हाट बाजार, मेले आदि जगहों पर भेल, झालमुड़ी, परमल, मुरमुरी का स्टॉल लगाकर भी बेच सकते हैं। मुरमुरा बनाने की विधि। मुरमुरा तैयार करना बड़ा आसान है। इसे महिला या पुरुष कोई भी आसानी से तैयार कर सकता है। यदि आपको मुरमुरा तैयार करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो किसी मुरमुरा तैयार करने वाले से इसे सीख सकते हैं या उन्हें काम पर रख सकते हैं। मुरमुरा मशीन में तैयार करें या भट्टी में, इसके लिए सबसे ज़रूरी है रेत और चावल। यदि आप मशीन की मदद से मुरमुरा तैयार करना चाहते हैं तो इसमें रेत डालकर गर्म करना होगा। इसी तरह यदि आप भट्टी पर तैयार करने वाले हैं तो लोहे की कढ़ाई में रेत डालकर उसे भट्टी पर गर्म करें। रेत के अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें चावल डाल दें। मशीन के अंदर रेत और चावल अपने आप उलट फेर होते रहते हैं, लेकिन कढ़ाई में चावल डालने के बाद इसे लगातार हिलाते रहें, नहीं तो चावल जल जाएंगे। कुछ ही देर में देखते ही देखते सारे चावल मुरमुरा में बदल जाते हैं। इसे छन्नी की सहायता से बाहर निकाल लिया जाता है। भट्टी में तैयार मुरमुरा को गर्मा गर्म ही बेच सकते हैं, लेकिन पैकिंग करने से पहले मुरमुरा को पूरी तरह से ठंडा होने दें, इसके बाद ही पैक करें। आइए अब हम बात करेंगे इस व्यवसाय में होने वाले प्रॉफिट मार्जिन की। आजकल मार्केट में मुरमुरा 100 रुपये से लेकर 120 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। गांव या कस्बों में इनकी कीमत में कुछ अंतर हो सकता है। छोटे स्तर पर भट्टी से तैयार माल से प्रति माह 25-30% की कमाई आसानी से हो जाती है, क्योंकि इसमें पैकेजिंग, मार्केटिंग, मेंटेनेंस आदि पर खर्चा नहीं होता है। बड़े स्तर पर यह प्रॉफिट मार्जिन का प्रतिशत कई गुना बढ़ जाता है। कहीं कहीं तो यह प्रतिशत 50-60% का भी देखा गया है। ध्यान रहे, यह प्रॉफिट मार्जिन का आंकड़ा माल के प्रोडक्शन और सेलिंग पर निर्भर करता है और सेलिंग मार्केटिंग पर डिपेंड करता है। जितनी अधिक मार्केटिंग होगी, सेलिंग भी उसी हिसाब से होगी, तो कमाई का आंकड़ा भी काफ़ी बढ़ जाता है। अर्न मनी या मनी मेकिंग से संबंधित एक खास बिजनेस टिप्स आपको बताती हूँ। इस और अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो खास टिप्स है। बिजनेस में अनावश्यक खर्चे से बचकर प्रॉफिट मार्जिन को और भी बढ़ाया जा सकता है। मुरमुरा उद्योग को कहाँ शुरू करें? आजकल मुरमुरा की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे समय में मुरमुरा उद्योग शुरू करके आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। आप किसी भी गांव में, शहर में या कस्बे में रहते हैं, वहाँ इस उद्योग को किसी भी स्तर पर शुरू किया जा सकता है। मुरमुरा उद्योग स्टार्टअप करने से पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। उद्योग स्टार्टअप करने से पहले चावल की पहचान करना सीख लें, क्योंकि सभी तरह के चावल से मुरमुरा तैयार नहीं होता है। अच्छे क्वालिटी का मुरमुरा बनाने के लिए खास किस्म के चावल की आवश्यकता होती है। इस उद्योग को ऐसे जगह पर शुरू करें जहाँ चावल की अच्छी पैदावार होती है, ताकि इसे कम कीमत में आसानी से खरीदा जा सके। मुरमुरे उद्योग को गांव, कस्बा या शहर में ऐसे स्थान पर शुरू करें जहाँ आने जाने की सुविधा हो, तैयार माल को आसपास के मार्केट तक आसानी से पहुँचाया जा सके, ट्रांसपोर्टिंग खर्चा कम से कम आए। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। उद्योग से संबंधित सरकारी लाइसेंस और परमिशन आदि के बारे में जानने के लिए बिजनेस मंथा वेबसाइट देखें। बिजनेस मंथा वेबसाइट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्रेंड्स, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उद्योग से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी के लिए वीडियो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी न्यू बिजनेस आइडिया के साथ। बिजनेस मंथा चैनल पर गुड बाय, टेक केयर।